उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आपका बहुत शुक्रिया। नंबर 10 सफायर सीरीज़ का मरकज गुलसोए ख़ानदान पर है, जो कैपाडोशिया के सबसे नुमाया ख़ानदानों में से एक है, जिसकी इंतहाई काबिल एहतराम ज़िंदगी एक गैर मतवक्के सानहे के बाद तबाह हो जाती है। अमेरिका से अपने बड़े बेटे आतेश की वापसी पर गुलसोए काफ़ी अरसे के बाद दोबारा एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। आतेश, जिसने कम उम्री में एक ट्रैफिक हादसे में अपने वालिद को खो दिया, अपने दादा उमर की ज़बरदस्त अथॉरिटी के सामने सर तस्लीम खम करने से इनकार करते हुए घर छोड़ देता है। अपनी वालिदा गुलफैम की दरख्वास्त पर वो अपने दादा के कायम करदा ख़ानदानी कारोबार को संभालने और बढ़ाने में अपने भाइयों यमान और ओकान के साथ शामिल होने के लिए कई सालों के बाद घर वापस आया है। नंबर 9 व्हाट शिप्स डिड आई बर्न। व्हाट शिप डिड आई बर्न दो खवातीन को इकट्ठा करता है जिनमें जचगी के अलावा कुछ भी मुश्तरक नहीं है। यासमीन एक मुतहरिक पुरएतमाद नौजवान लड़की है जो हमल के दौरान अपने शोहर को खो देती है और अपनी बेटी की कफालत के लिए जद्दोजहद करती है। फिदान एक महफूज और फिक्रमंद लड़की है जो अपनी बेटी की सख्त हिफाजत करती है, जो हमेशा अपने कंधे पर किसी नादीदा खतरे को देखती है। नंबर 8 एनदर लव। एनदर लव मशहूर एंकर पर्सन केनान और पुरजोश प्रोसिक्यूटर लीला की ताकतवर कहानी सुनाता है, जो कत्ल की तफ्तीश के दौरान रास्ते अबूर करते हैं और इसरार तनाव और जज्बे से भरे रिश्ते में जुड़ जाते हैं। जैसे जैसे माजी से मुबहम इंकशाफात सामने आते हैं, इनका सामना चौंका देने वाली सच्चाइयों से होता है जो इन्हें हमेशा के लिए बदल देते हैं। सीरियल किलर केस केनान की कवरेज की बदौलत सुर्खियों में आता है। नंबर 7 विशिंग स्टोन। 1980 में एक कशीदा सियासी माहौल के दौरान मुस्तफ़ा एक जद्दोजहद करने वाला फैक्ट्री वर्कर एक अहम ऑपरेशन के ज़रिए अपनी अहलिया जानान की जान बचाने की जुस्तजू में संगीन माली हालात का सामना करता है। अपने संगदिल बॉस की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया मुस्तफ़ा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है। अपनी बेटी जैमरे को एक यतीम खाने में छोड़कर, जिसे बाद में अमीर रोना खानदान ने गोद ले लिया, देखभाल करने वाली घरेलू मुलाजिम फीगन की मदद से मुस्तफ़ा अपनी बेटी के करीब रहने के लिए रोननास के घर में घुस जाता है और इनके दरमियान एक गैर मतवक्के रोमांस शुरू हो जाता है। नंबर 6 कम वट मे। जिस दिन अलीज़े की पैदाइश हुई इसकी माँ का इंतकाल हो गया। अलीज़े को एहसास जुर्म है, हालांकि इसके वालिद नूरुद्दीन इसे परेशान ना करने के लिए बुलंद आवाज़ में इसका इजहार नहीं कर सकते। इसमें नूरुद्दीन ने इसे खुश रखने के लिए किए गए समझौतों का इजाफा किया। नतीजा एक जारहाना और खुदगर्ज किरदार है जो बुनियादी तौर पर अपने आप से मुतसादिम है। ताहम वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, तकरीबन एक वेकअप कॉल, जब इसकी बेटी एक मैकेनिक की कार को नुकसान पहुंचाने वाले हिट एंड रन में मुलविस होती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो अपनी बेटी को वो चीज़ें सिखाने का फैसला करता है जो वो इसे छोटी उम्र में सिखाने से कासिर था। नंबर 5 द फैमिली। असलान सोईकान इस्तांबुल के सबसे बदनाम जुर्म खानदान के सरबरा हो सकते हैं, लेकिन खाने की मेज़ पर इसकी माँ हुलिया लोहे की मुट्ठी के साथ हुकूमत करती है। वह अटूट रवायात के एक मजमूए के साथ बेहंगम कबीले को एक साथ रखने में कामयाब रही है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि आप मेज़ से नहीं बच सकते। ये सब कोई दुआ में उड़ जाता है जब असलान एक ऐसी औरत की खातिर खानदानी रात के खाने में खलल डालता है जिससे इसकी अभी मुलाकात हुई थी। खूबसूरत माहिर नफ्सियात डेविन और असलान मोहब्बत में पड़ जाते हैं और जैसे जैसे वो करीब होते जाते हैं माहिर नफ्सियात इसके मुतजाद ख़ानदान की तशखीस करने में मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्या एक माहिर नफ्सियात मैदान जंग के ऐन वस्त में फेंक कर सबको ठीक कर सकती है, और क्या वो अपने ज़ख्मों से मुकम्मल तौर पर ठीक हुए बगैर असलान जैसे नारसिस से निमट सकती है। नंबर 4 अदम फारा। फारा एक 28 साल ईरानी खातून है। 6 साल कबल ईरान से फरार होते हुए इसे इस्तांबुल में रुकना पड़ा,
क्योंकि इसे मालूम हुआ कि वो प्रेग्नेंट है, वो वहाँ एक गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर रहने लगती है। मजीद ये कि इसके बेटे कैरिम शाह को एक नायाब बीमारी है, क्योंकि मदाफाती निज़ाम पैदाइश से ही बहुत कमज़ोर है, इसलिए कैरिम शाह बीमारियों के लिए खुला है, इसलिए इसे जरासीम से पाक माहौल में रहना पड़ता है। फरा मेडिकल की तालीम हासिल करने के बावजूद इस्तांबुल में गैर कानूनी तौर पर सफाई का काम करती है। फरा की ज़िंदगी का मकसद इसके बेटे कैरिम शाह के लिए सेहतमंद होना और आम बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारना है। वह जल्द ही जल्द पैसा बचाएगी और अपने बेटे का इलाज मुकम्मल करके दोबारा फ्रांस जाएगी, लेकिन फरा की दुनिया रातों रात बदल जाती है। वो माफिया के ज़रिए किए गए कत्ल की गवाह है, जहाँ वो सफाई करने जाती है और ताहिर लीके से मिलती है। नंबर 3, स्टिक मैन। छोटी उम्र में ज़िंदगी से नमर्त आजमा होने वाला तामिर अपने ख़ानदान की परेशानियों से तंग आ चुका है। इन तमाम मुश्किल हालात को खेल में बदल कर तामिर अपने अंदर के बेचे की हिफाजत करने में कामयाब हो जाता है। अपनी बहन मरियम के साथ वो एक यतीम खाने में पला बड़ा। जब इसके वालिदैन ने इसे वहाँ छोड़ दिया, तामिर अब शादीशुदा है और इसका एक बच्चा भी है। इसकी कंपनी एक गियोहेकल अमरीकी कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है। जब इसका डिज़ाइन करदा कंप्यूटर गेम बहुत कामयाब हो जाता है, सबसे पहले वो बास फोरस पर एक विला खरीदता है ताकि अपने पूरे ख़ानदान को एक छत के नीचे जमा कर सके। इसकी माँ आसिर और वालद बुलेंद, जो विला में आबाद हैं, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर सकते। तहम तामिर को माजी को भूलना बहुत मुश्किल लगता है। तामिर जिस तवाज़ुन को मारने की कोशिश कर रहा है, वो पैरी से मिलने पर बदलना शुरू हो जाता है। नंबर 2, हार्ट एक। ड्रामा उसक से ताल्लुक रखने वाले एक ख़ानदान की कहानी है, जो इस्तांबुल हिजरत करता है। जन्नत, जो कि जवान होने से ही काम कर रही है और शादी के लिए तैयारी कर रही है, यिलमाज से शादी कर लेती है, जिसे वो मोहब्बत करने लगती है और दुल्हन बनकर अपने गांव से इस्तांबुल आती है। तकरीबन 40 साल तक जारी रहने वाली इनकी शादी के नतीजे में इनके 3 बच्चे हैं। शादी, जो अच्छे वक्तों और बुरे वक्तों में शुरू हुई थी, जन्नत के फालिज और मौत के साथ ख़त्म होती है। इन्होंने अपने पीछे 3 बच्चे और एक शोहर को छोड़ा है। तहम जनाजे के बाद सामने आने वाला ख़त इन हकाइक को गलत साबित करता है, जिन पर हर कोई यकीन करता है। जैसा कि यह पता चलता है कि जन्नत ने अपनी मौत से पहले लिखे हुए ख़त में अपने शोहर को अपनी मौत की वजह करार दिया था। नंबर 1, लाइफ कम्स एज इट नोज। ज़्यादातर वक्त ज़िंदगी आती है जैसा कि आप जानते हैं। यह अनकरा के एक नाकाबले तस्खीर बदमाश सादी पायासल के लिए भी है। सादी पायासल का माजी काराबायर हाई स्कूल में इसकी पैरवी करेगा, जहां वो अपने गंदे माजी को पीछे छोड़कर जुग्राफिया के उस्ताद के तौर पर मुकर्रर हुआ था। इन बच्चों में से एक, जो रिफॉर्मेटरी से काराबायर हाई स्कूल में आते हैं, सादी के लिए बहुत ख़ास मानी रखता है, लेकिन दोनों इससे बेखबर हैं। एक और चीज़ जिसके बारे में सादी पायासल को मालूम नहीं है, वो है पब्लिक सिक्योरिटी ब्रांच की बेरहम पुलिस अहलकार सोंगुल की मोहब्बत और दिलचस्पी, जिसके साथ वो अनकरा से आया था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।